नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं खबरदार। ड्रग्स मुक्ति का जो कैंपेन बॉलीवुड के भीतर चल रहा है, पूरी कवरेज उसकी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की इसी गेस्ट हाउस में, जिस तरीके से दीपिका पादुकोण से पूछताछ हुई थी, करिश्मा से पूछताछ हुई थी, दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ हुई थी, इसमें से सारी चीजें बस इतनी देखनी है कि देखिए जो खबर निकली है वो आज तक पर आपको नजर आई है। और अगले एक घंटे में खबरदार में हम विश्लेषण भी करेंगे और आपको वो ब्रेकिंग न्यूज भी देंगे जिसका आपको इंतजार होगा। लेकिन सबसे पहले हम खबरों को खबरदार के लेंस से देखते हैं, क्योंकि ड्रग्स के इस रैकेट के बीच ये समझना जरूरी है कि आज क्या क्या हुआ है। विश्लेषण के बगैर इसका अंदाजा लगाना जरा मुश्किल हो जाता है। 5 अफसर, 5.5 घंटे, 12 सवाल, ये आज की सबसे बड़ी पूछताछ के आंकड़े हैं। आज आपको बताएंगे कि सवालों की फायरिंग रेंज में दीपिका पादुकोण के साथ क्या हुआ, दीपिका ने पूछताछ में क्या बताया, क्या छुपाया। सारा अली खान और श्रद्धा कपूर ने भी एनसीबी के ड्रग्स वाले प्रश्न पत्र के उत्तर दिए, इसकी डिटेल क्या है और आगे इन तीनों अभिनेत्रियों का क्या होगा, इसकी पूरी जानकारी हमारे विश्लेषण में मिलेगी। आज कैमरे से जुड़े विरोधाभास को देखने और समझने का भी दिन है। वो फिल्म स्टार जो लगातार कैमरे के सामने रहते हैं, कैमरे के सामने अदाएं बिखेरते हैं, जो कैमरे से ही सारी प्रतिष्ठा अर्जित करते हैं, उन्हें कई बार कैमरों से नजर चुरानी पड़ती है, कैमरे से बचकर निकलना पड़ता है। आज दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर की बॉडी लैंग्वेज को समझना भी जरूरी है। जिन सितारों को रोल मॉडल माना जाता है, जिनकी भाव भंगिमाएं लोग कॉपी करते हैं, उनका सहम कर एनसीबी ऑफिस आना कैसा था ये जरा देखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मंच यानी संयुक्त राष्ट्र से एक शक्तिशाली कूटनीतिक पंच मारा है। उन्होंने यूएन में बड़े बदलावों की वकालत करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता के लिए भारत को आखिर कब तक इंतजार करना होगा, आखिर यूएन में भारत को निर्णायक भूमिका कब मिलेगी। आज हम संयुक्त राष्ट्र से भारत की इस असंतुष्टि का विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि भारत जैसे विशाल राष्ट्र को यूएन में अपनी शक्ति के अनुसार स्थान क्यों नहीं मिला, और लंदन के कोर्ट की सुनवाई में वीडियो लिंक के जरिए दिया गया अनिल अंबानी का बयान एक ट्रेंडिंग खबर बन गया है। उन्होंने कहा है कि वो गहने बेचकर वकीलों की फीस चुकाते हैं, उनका परिवार और पत्नी ही उनका खर्च उठाते हैं, उनके पास सिर्फ एक कार है और वो बहुत साधारण जीवन जी रहे हैं। ये मामला चीन के 3 सरकारी बैंकों से करीब 5,200 करोड़ रुपए के लोन का है। लेकिन जो पूछताछ हुई है उसे भी जानिए, जो पूछताछ हुई है उसे भी समझिए, कितने कितने घंटे, कौन कौन आया, 5-6 घंटे, श्रद्धा कपूर हो, सारा अली खान हो, दीपिका पादुकोण हो, सबसे 5.5 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे इस तरह से पूछताछ हुई है उन अभिनेत्रियों से जो मुश्किल से एक शूट शेड्यूल में कितना समय बिताती हैं, या फिर ये समझिए कि एक इंटरव्यू में कितना समय। लेकिन यह आम इंटरव्यू नहीं था, यहां पर जो सवाल दागे गए हैं, यहां पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो अफसर हैं, जो अधिकारी हैं, उन्होंने जिस तरह के सवाल दागे हैं, जिस तरह से क्रॉस क्वेश्चनिंग इन अभिनेत्रियों की हुई है, ये अपने आप में बहुत सारे संकेत देती है। अभी समन नहीं है, अभी आगे समन का फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन क्लीन चिट किसी को नहीं दी गई है। दीपिका पादुकोण से वो कौन से सवाल पूछे गए थे, दीपिका पादुकोण जब यहां पर आई थी, सुबह सुबह जब यहां पर पहुंच गई, कौन से सवाल वो उनसे दागे गए थे जिनके जवाब थोड़ा सा फंसने वाले थे, क्योंकि सारी अभिनेत्रियों ने कहा है नहीं, ड्रग्स तो हम नहीं लेते हैं, तो फिर अब आगे क्या। पांच अफसर, 5.5 घंटे और सबसे बड़ी पूछताछ। ड्रग्स पर दीपिका ने क्या बताया, क्या छिपाया, दीपिका पादुकोण से इंटरोगेशन की फुल डिटेल। 12 सवाल, नंबर 1 हीरोइन के जी का जंजाल। दीपिका पादुकोण का आज पसीना छूट गया होगा। वो नारकोटिक्स ब्यूरो के सामने डरी सहमी सी आई। सुबह 10 बजे से ठीक पहले उनकी कार एनसीबी के गेस्ट हाउस के बाहर रुकी। यहीं पर दीपिका का इंटरोगेशन होना था। दीपिका कार से उतरी, उनके चेहरे पर मास्क था, लेकिन ड्रग्स के मामले में उन्हें बेनकाब करने वाले सवाल आगे उनका इंतजार कर रहे थे। एनसीबी के 5 अफसर रेडी थे अपने तीखे सवालों के साथ। आज तक के पास वो सारे सवाल हैं जो आज दीपिका पादुकोण से पूछे गए। एक एक सवाल दीपिका को परेशान करने वाला था। पहला सवाल, क्या आपने कभी ड्रग्स खरीदा?
दूसरा सवाल, आपने कब, कहां और किससे ड्रग्स खरीदा? तीसरा सवाल, जो ड्रग चैट सामने आई क्या वो आपकी ही है? ड्रग चैट से तो दीपिका इनकार नहीं कर सकती थी। 2017 की ये चैट तो पूरी दुनिया देख चुकी है। दीपिका इसमें अपने मैनेजर से पूछ रही हैं, माल है क्या? वो करिश्मा से हैश मांग रही थी। दीपिका की मैनेजर करिश्मा ने भी कल चैट की सच्चाई कबूल की थी। दीपिका के सामने कोई दूसरा चारा नहीं था, वो बहाने नहीं बना सकती थी। उन्होंने भी इस चैट को कबूल कर लिया। दीपिका से चौथा सवाल हुआ, करिश्मा प्रकाश आपके साथ कैसे जुड़ी? पांचवा सवाल, क्या करिश्मा से ड्रग्स मंगाने को कहा था? छठा सवाल, कितनी बार करिश्मा से ड्रग्स के लिए कहा? सातवां सवाल, ड्रग्स के लिए पैसे दिए? अगर हाँ तो कैसे दिए? दीपिका भी तैयारी के साथ आई थी, इंटरोगेशन का कैसा जवाब देना है, वकीलों ने उन्हें ट्यूशन दिया होगा। दीपिका ने चैट की बात तो कबूल कर ली, लेकिन ये नहीं माना कि वो ड्रग्स लेती। लेकिन एनसीबी के अफसर भी कच्चे खिलाड़ी नहीं है। बार बार दीपिका पदकोण से पूछा गया है कि आप क्या ड्रग्स लेती थी, और एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एसआईटी के बड़े अधिकारी ने बताया कि काफी हार्ड टॉक हुई है, यानी काफी एक तरीके से तो सख्त लहजे में पूछा गया है दीपिका पादुकोण से। और सख्त लहजा तब अपनाया जाता है जब कोई बातचीत से एक तरीके से कहे तो सब सीधे तरीके से सवाल जवाब नहीं देता है, इसलिए आमने सामने बिठाया गया है। बातचीत में यह भी जिक्र आया कि ड्यूबी यानी सिगरेट लेती थी, तो भाई सिगरेट कौन सा लेती थी? दीपिका सीधे जवाब नहीं दे रही थी, लेकिन एनसीबी को भी जवाब निकलवाना आता है, उनका यही काम है। दीपिका से बहुत तीखे सवाल हुए। एनसीबी के अफसर भी होमवर्क करके बैठे थे। ड्रग चैट सबूत है, कोको बार की पार्टी की तस्वीरें सबूत है, ड्रग चैट में इसी पार्टी का जिक्र हुआ था। दीपिका से आठवां सवाल हुआ, कोको बार की पार्टी में कौन कौन से लोग शामिल थे? नौवां सवाल, कोको बार की पार्टी में ड्रग्स किन किन लोगों ने लिए? दसवां सवाल, कोको पार्टी से पहले प्री ड्रिंक्स पार्टी में क्या हुआ था? 11वां सवाल, क्या इस प्री ड्रिंक्स पार्टी में भी ड्रग्स लिए गए थे? इस प्री ड्रिंक्स पार्टी की बात दीपिका ने उसी व्हाट्सएप ग्रुप चैट में की थी, जिसमें वो मैनेजर करिश्मा से हैश मांग रही थी। अब तक ये चैट अधूरी दिखाई जा रही थी, लेकिन अब ये पूरी चैट आज तक के हाथ लगी है। मैं इस हफ्ते अपने घर पर कुछ प्लान कर रही हूँ, बुधवार रात, सिर्फ यंगस्टर। ओह नाइस, बुधवार को मेरी एक डिनर पार्टी है, लेकिन मैं उसे टाल सकती हूँ। मैं इस नए हेयर स्टाइल में नई लग रही हूँ। पिछले एक महीने में दो बार मैंने सुबह 3 बजे तक पार्टी की है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सीनियर अफसर ने जो दीपिका पादुकोण से पूछताछ कर रहे थे, उनका कहना है कि एग्जामिनेशन यानी पूछताछ अभी पेंडिंग है। इसके क्या मायने निकाले जाए? इसका मायने यही निकाले जाएंगे कि अभी पूछताछ में बहुत संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने करिश्मा और दीपिका से आमने सामने बिठाकर पूछताछ की। नहीं, अभी किसी और को समन इस समय नहीं इश्यू किया गया। सर, आने वाले समय में इनसे सितारों से दोबारा समन किया जा सकता है? सर, ये मैं स्पेकुलेट इस समय नहीं कर सकता हूँ। और अभी हमारे पास काफी दिनों से आप जानते हैं कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, काफी लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं, काफी लोगों से पूछताछ हुई है, काफी रिकवरीज हुई है। तो हम अभी बैठ के इसको पूरे केस को रिव्यू करेंगे और आगे के लिए अपनी प्लानिंग बनाएंगे। इन्हीं बातों से दीपिका पादुकोण एनसीबी के सवालों से फंस गए। एनसीबी ने दीपिका और उनकी मैनेजर करिश्मा के बयानों को मिलाया, उनमें अंतर को देखा और फिर दीपिका और करिश्मा को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की। करिश्मा और दीपिका को कुछ देर के लिए आमने सामने बिठाया गया था इसी व्हाट्सएप चैट को लेकर और इसी ड्रग्स को लेकर और कोको बार को लेकर। वो एनसीबी जानना चाहती थी, चूंकि दीपिका ने करिश्मा से मंगाया, करिश्मा ने आगे किससे बात की, वो लिंक कौन है, वो अमित का क्या रोल है, इन चीजों को, इन कड़ियों को एनसीबी जोड़ने की कोशिश करती है। दीपिका ने ड्रग्स ना लेने की बात कही, लेकिन ड्रग चैट में वो जो माल मांग रही है, जिस हैश और बीट का जिक्र कर रही है, उससे किनारा करना दीपिका के लिए मुश्किल है। चैट में दीपिका की मैनेजर करिश्मा ने किसी अमित का जिक्र किया था। दीपिका से 12वां सवाल हुआ, क्या वो किसी ड्रग पेडलर को जानती? वो अमित कौन है जिसका जिक्र चैट में हुआ?
ऐसे तीखे सवालों का दीपिका को 5.5 घंटे से ज्यादा सामना करना पड़ा। सुबह 10 बजे के करीब वो एनसीबी गेस्ट हाउस आई थी और 3:30 बजे के बाद वो बाहर निकली और गाड़ी में बैठकर घर निकल गई। छोटी गाड़ी क्रेटा में बैठकर आई थी दीपिका पादुकोण और उसी में निकल रही है। उस गाड़ी के भीतर की तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ से। ये देखिए बेहद तेज रफ्तार से ये गाड़ी निकलती हुई दीपिका पादुकोण पीछे की सीट पे आपको बाईं तरफ नजर आ रही है और एस्कॉर्ट गाड़ी से भी आगे भगाते हुए उसे आगे की तरफ निकल गई है दीपिका पादुकोण। सारे सवालों का सामना करने के बाद 6 घंटे के बाद और सीधे देखिए वो बाएं नहीं लिया उन्होंने, सीधे की तरफ मुड़ी है। दीपिका को फिर एनसीबी के सामने आना पड़ेगा या नहीं ये अभी पूरी तरह क्लियर नहीं है, लेकिन अगर दीपिका के सवालों से एनसीबी संतुष्ट नहीं है तो इसके मायने तो यही निकाले जा सकते हैं कि दीपिका को अभी राहत नहीं मिलने वाली। 5.5 घंटे की लंबी चौड़ी पूछताछ के बावजूद अगर एनसीबी संतुष्ट नहीं होती है दीपिका पादुकोण के जवाब से तो यकीनन आगे आने वाले वक्त में उनको फिर से बुलाया जा सकता है ताकि उनसे और सवालों के जवाब दिए जा सके। देखिए इसके पीछे की सबसे जो बड़ी वजह है वो ये है क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है कि हाँ ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिस पर ड्रग लेने की बात चल रही थी इसमें मैं शामिल थी। दीपिका पादुकोण को एक दिन में जांच से छुटकारा मिल जाएगा ऐसा मुश्किल दिखता है। उन्होंने अपने वकीलों से फिर बात की है, पूछताछ के बारे में वकीलों को बताया होगा, लेकिन एनसीबी की रणनीति आगे क्या है ये किसी को पता नहीं। विद्या, मौसमी सिंह, चित्रा त्रिपाठी, अरविंद ओझा और अशोक सिंघल के साथ शम्स ताहिर खान, मुंबई आज तक। तो एक चीज समझ लीजिए यहाँ पे कि चाहे दीपिका पादुकोण हो, सारा अली खान हो या फिर हो श्रद्धा कपूर, तीनों की तरफ से तमाम सवालों के जवाब तो दिए गए हैं लेकिन एनसीबी किसी के जवाब से संतुष्ट नहीं है। हाँ अभी समन नहीं भेजा गया है लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि किसी को भी क्लीन चिट दी गई है। दीपिका पादुकोण ने भले इनकार किया हो ड्रग्स नहीं लिया लेकिन जो चैट था वो ड्रग्स डिलीवर किया गया कि नहीं किया गया, वो ड्रग्स अगर डिलीवर किया गया तो वो ड्रग पेडलर कौन था, ये सारे सवाल हैं जो सबके मन में इस समय उठ रहे होंगे। हमारे साथ हमारे 3 संवाददाता इस समय जुड़ रहे हैं क्योंकि लगातार आज तक की टीम लगी हुई है ड्रग से मुक्ति दिलाने की इस मुहिम में, समझ लीजिए ये स्वच्छता की मुहिम है। हमारे साथ अरविंद ओझा जुड़ रहे हैं, साथ में मुनीश पांडे हैं, चित्रा त्रिपाठी भी हमारे साथ हैं। अरविंद ओझा सबसे पहले ये बताइए दीपिका पादुकोण लंबी पूछताछ तीनों हीरोइनों से, मामला खत्म यहां पर समझे, समन नहीं मिलने का मतलब क्लीन चिट है या नहीं है? जी देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, मामला खत्म नहीं है, मामला अभी शुरू होगा। देखिए आप एक चीज को समझिए कि काफी वक्त मिला है दीपिका पादुकोण को, सारा अली खान को और श्रद्धा कपूर को, और ये तीनों कौन है, बॉलीवुड की हीरोइन, रसूखदार फैमिली से आती हैं, इनके खुद की भी अपनी एक आइडेंटिटी है। ऐसे में भारी भरकम लीगल एडवाइजर से इन लोगों ने कॉन्टैक्ट किया है, पूरी तैयारी की है और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्रों ने हमें बताया है, आज तक को बताया है कि जो पूछताछ हुई है तीनों से उससे हमें यह समझ में जरूर आ गया कि जो कुछ इनके लीगल एडवाइजर ने बोला है ठीक वैसे ही जवाब मिले हैं। स्टेटमेंट तो हमने लिया है लेकिन यही समझ लीजिए कि हमने वो स्टेटमेंट लिया नहीं है, हम उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे ये हम पर डिपेंड करता है। नंबर एक, नंबर तीन जो सबसे बड़ी खबर है वो ये खबर है कि न तो दीपिका, न सारा और न श्रद्धा, तीनों को क्लीन चिट नहीं दी गई है। नंबर तीन जो सबसे बड़ी खबर है कि अब जो गैप है इस इन्वेस्टिगेशन में तीनों अभिनेत्रियों की पूछताछ में, उस गैप को फुलफिल किया जाएगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी ने कहा है कि हम एक ऐसा सरप्राइज देंगे जैसे हमने रिया चक्रवर्ती में दिया था। दरअसल हमें जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली उसके मुताबिक एक ड्रग पेडलर पर इनकी नजर है, एक बड़े सीजर पर इनकी नजर है, जिससे ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो एक नई दिशा में जाएगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अफसर ने तो यहां तक दावा किया कि देखिए जिस दिन सीजर होगा उस दिन एक बड़ा नाम और सामने आएगा। दीपिका पादुकोण ने साफ साफ कह दिया कि मैं ड्रग्स नहीं लेती थी, चैट वाली बात को कबूल करना ही था क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। सारा अली खान ने रिया चक्रवर्ती की तरह सुशांत पे डाला कि सुशांत ड्रग्स लेते थे। श्रद्धा कपूर ने कहा एक और बड़ा नाम आएगा कुछ दिनों में, एक और बड़ा नाम आएगा, अरविंद ओझा ये खबर दे रहे हैं। कुछ देर पहले ही हमने बताया था कि समीक्षा अभी इन बयानों की चलेगी दीपिका पादुकोण से जो पूछताछ हुई है यहाँ पर उससे इतर, जब एनसीबी के दफ्तर पे श्रद्धा और सारा अली खान से पूछताछ हुई थी वहां पर क्या क्या निकला है ये रिपोर्ट भी दिखाते हैं। हाँ
श्रद्धा और सारा ने एनसीबी को क्या बताया? श्रद्धा और सारा ने एनसीबी से क्या छिपाया? 5 घंटे की पूछताछ में सारा कब नर्वस हो गई? 6 घंटे में श्रद्धा ने ड्रग्स का क्या हिसाब दिया? आज मुंबई में 2 लोकेशन पर 3 हीरोइनों पर सबकी नजर। दीपिका पादुकोण से एनसीबी के गेस्ट हाउस में एसआईटी सवाल कर रही थी और उधर एनसीबी के जोनल ऑफिस में श्रद्धा कपूर और सारा अली खान के इंटरोगेशन के लिए टीम तैयार थी। सारा और श्रद्धा में सबसे पहले श्रद्धा कपूर पहुंची। श्रद्धा कपूर यहां पर पहुंच चुकी है, श्रद्धा कपूर यहां पर पहुंच चुकी है। अब देखिए उस तरफ से वहां पर पहुंची है और पूरी तरीके से चकमा देके हुए, ये क्यों कर रही है अब समझ में नहीं आ रहा। अंजना मैं आपको बता दूं कि पहले पूरी बैरिगेटिंग है वो यहां पर की गई थी, लेकिन पूरी बैरिगेटिंग पूरा फोर्स मुंबई पुलिस का यहां पर लगा गया, लेकिन जो है श्रद्धा कपूर उस तरफ से आई। तो आप देखिए अब लगातार जिस तरीके से जो छुपते छुपाने का जो सिलसिला है वो लगातार बरकरार है। उस बात से इनकार नहीं कर सकी श्रद्धा ने पूछताछ में माना कि छिछोरे फिल्म की रिलीज के बाद एक पार्टी पावना फार्म हाउस पर हुई थी। वो बोट में बैठकर आइलैंड पर गए थे जहां देर रात तक पार्टी चली, लेकिन पार्टी में ड्रग्स के इस्तेमाल से इनकार किया। श्रद्धा कपूर ने एनसीबी के साथ अपनी पूछताछ में कई अहम खुलासे किए, जिसमें पहला खुलासा यह था कि उन्होंने जया साहा के साथ अपनी ड्रग्स चैट को कन्फेस किया, माना कि ड्रग्स चैट उन्हीं की है, लेकिन साथ ही साथ श्रद्धा कपूर ने किसी भी तरह के नारकोटिक सब्सटेंस के कंजम्पशन का सेवन का बिल्कुल इनकार कर दिया। दूसरी बात यह कि उन्होंने पावना डैम पर जो पार्टी हुई थी उसे भी एक्सेप्ट किया, लेकिन ये बात को नकार दिया कि उस पार्टी में किसी भी तरीके का ड्रग्स का सेवन किया गया था। श्रद्धा कपूर ने एनसीबी के सवालों से बचने की पूरी कोशिश की। सारा अली खान ने भी यही किया, उन्होंने भी 5 घंटे की पूछताछ में इस बात से इनकार किया कि वो ड्रग्स लेती थी। सारा ने सुशांत के फार्म हाउस पर जाने की बात कबूली। सारा ने इस बात को भी कबूल किया कि सुशांत से उनकी नजदीकी थी। सारा ने केदारनाथ फिल्म की शूटिंग के दौरान सुशांत के साथ सिगरेट पीने की बात मानी, लेकिन ड्रग्स लेने की बात से साफ इनकार किया। तो केदारनाथ मूवी है वो सारा की सबसे पहली मूवी थी सुशांत सिंह राजपूत के साथ, और तभी वो दोनों काफ़ी करीब आए। अब जिस तरीके से जो एनसीबी के सवाल थे, क्योंकि आपको पता होगा कि 2 DRDO गेस्ट हाउस पे सीबीआई ने जो स्टेटमेंट्स लिए थे उसमें ये भी बात सामने आई थी कि सुशांत और सारा 3 दिन के लिए फॉरेन ट्रिप में गए थे और शायद वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ था। तो उसके बारे में पहले तो सारा अली खान को पूछा गया। दूसरी सबसे अहम महत्वपूर्ण जानकारी जो एनसीबी सारा से लेना चाहती थी वो ये थी कि जिस तरीके से सुशांत के फार्म हाउस पर जो पार्टीज चलती थी क्या वहां पर ड्रग्स कंजम्पशन होता था, जिस पर सीधे तौर पर सारा ने मना कर दिया है। लेकिन इससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं दिखाई दे रही है एनसीबी, क्योंकि एक तरफ सारा ने ये तो कह दिया कि वो ड्रग्स नहीं लेती थी, वो सिर्फ सिगरेट स्मोक करती थी। तो इस पर काफ़ी ज़्यादा कान खड़े हो गए हैं एनसीबी के कि एक तरफ आप बोल रहे हैं कि सिर्फ सिगरेट लेती थी, आप ड्रग्स नहीं लेती थी, तो उनकी बात पर उतना भरोसा नहीं हुआ है। लेकिन सारा अली खान उन आरोपों पर चुप रही जो आरोप रिया चक्रवर्ती के बयान के बाद उन पर लगे। रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी को दिए बयान में बताया था कि केदारनाथ फिल्म की शूटिंग के दौरान सारा के साथ ही सुशांत को ड्रग की हाई डोज की आदत लग गई थी। तमाम कड़ियों को खंगाला जा रहा है, तमाम इन्फॉर्मेशन जो एनसीबी के पास है उसको उस बारे में पूछा जा रहा है कि सुशांत सिंह के साथ जब केदारनाथ फिल्म की शूटिंग हुई क्या सारा अली खान ने भी ड्रग लिया, क्या वो बैंकॉक गई वहाँ भी ड्रग लिया, क्या पार्टी हुई फार्म हाउस में जाती रही जो कि वहाँ के वोटमैन का बयान भी आज तक के पास है, उन्होंने भी कहा कि यहाँ पे जो पार्टियाँ होती थी उसमें भी सारा कहीं बार आई। तो ये तमाम चीज़ों को पूछा जा रहा है, श्रद्धा कपूर से पूछा जा रहा है क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने नाम लिया। तो क्या ये तमाम इंफॉर्मेशन हैं जो एनसीबी के पास वो इन लोगों ने एक्सेप्ट किए हैं? एनसीबी तो किसी के जवाब से संतुष्ट नहीं, फिर चाहे सारा हो, श्रद्धा हो, दीपिका हो, लेकिन इन सभी को दोबारा समन देने की बात अभी नहीं है। एनसीबी सबके बयानों को रिव्यू कर रही है और इसी के आधार पर अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी, यानी एनसीबी अभी अपने पत्ते नहीं खोल रही। मुंबई से चित्रा त्रिपाठी, मौसमी सिंह, अरविंद ओझा के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। यकीन मानिए ड्रग्स के खिलाफ जो ये लड़ाई होती है वो आसान नहीं होती है, और इसीलिए अगर हम आज की तारीख में देख रहे हैं कि एनसीबी लगातार निरंतर उन लोगों के ऊपर भी हाथ रखने से नहीं डर रही है जो रसूख वाले हैं, तो यहाँ पर देखना होगा कि ये अंजाम तक जरूर पहुंचे। लेकिन
मुनीश पांडे, ये बताइए कि अगर सारा अली खान और श्रद्धा कपूर अपनी अपनी पूछताछ में इस बात को नकार देती है कि नहीं ड्रग्स नहीं लिया था, श्रद्धा कपूर यहां तक कह देती है कि सीबीडी ऑयल जो है वो मैंने ड्रग के तौर पर इस्तेमाल के लिए नहीं बल्कि एक्सटर्नल यूज के लिए उसका इस्तेमाल किया था, बताया जाता है शायद ये हड्डियों के दर्द में इसका इस्तेमाल होता है, इन सारी चीजों को एनसीबी फेस वैल्यू पे ले रही है या फिर कुछ लूज एंड्स उसे दिख रहे हैं? जी देखिए श्वेता, जब भी कोई किसी आरोप में घिरा होता है तो एक बात तो साफ होती है कि जैसे ही कोई एजेंसी उनसे सवाल करेगी वो उसको नकार देंगे, और ऐसे में जब ये मामला शुरुआत में आया हुआ था, रिया चक्रवर्ती से जुड़ा था, और सारा अली खान का मामला इसमें इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो अकेली एक ऐसी शख्स है जिनका कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत से भी लेना देना था और बॉलीवुड और ड्रग का जो नेक्सस है उसमें भी लेना देना था, इसलिए सारा अली खान की जो पूछताछ है वो एनसीबी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। देखिए वो जवाब जो दी हैं उसमें दो बड़ी चीज़ें हैं, पहली बात उन्होंने ये कह दिया कि मैंने तो ड्रग्स नहीं लिया हुआ है, लेकिन रिया चक्रवर्ती ने वहीं पर यह कहा हुआ था कि वो ड्रग्स लेती हैं, ऐसे में दो विरोधाभास हैं यहाँ पर। अब जो एनसीबी है वो अगले कड़ी की तैयारी कर रही है, आपका जो सवाल था कि क्या फेस वैल्यू पर ले रही है, फेस वैल्यू पे नहीं ले रहे क्योंकि एनसीबी को यह बात पहले से पता थी कि जब वो पूछेंगे किसी भी, चाहे दीपिका पादुकोण हो जाए, चाहे श्रद्धा कपूर हो जाए, चाहे इसके अलावा सारा अली खान हो जाए, जब उनसे पूछेंगे क्या आपने ड्रग्स कभी कंज्यूम किया हुआ है, क्या आपने ड्रग्स किसी को सप्लाई किया हुआ, वो सीधा यही बोलेंगे कि हमने तो कभी ड्रग्स को कंज्यूम किया ही नहीं है, कभी सेवन नहीं किया हुआ है। इसी के लिए इसमें जो अगली कड़ी होगी उसको जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है वो उसे पूरा करने की कोशिश करेगी, और पूरा करने के लिए जिन लोगों ने ड्रग्स को सप्लाई किया है, अगर इन्होंने सेवन किया है तो ड्रग्स की सप्लाई कहीं ना कहीं से जरूर हुई होगी, तो उन उसको पूरा करने के लिए उन पेडलर्स को पहले पकड़ा जाएगा और फिर से एक बार रिवर्स इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी पेडलर के जरिए, अगर कोई सबूत है उसमें दोनों के खिलाफ है, जो कोई कंज्यूम कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन खरीद रहा है तो कहां से खरीद रहा है, इन चीजों को पता लगना है। लेकिन इस सब में एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है, देखिए जब भी हम फिल्म स्टार्स की बात करते हैं, खासकर अभिनेत्रियों की बात करते हैं, तो उनकी स्टाइल, उनका अंदाज और बॉडी लैंग्वेज, आज बॉडी लैंग्वेज इनका पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ये देखना कि जो कॉन्फिडेंस कभी दिखता है आपकी चाल में, आप हाथ हिलाते हुए अभिवादन करते हुए बढ़ते हैं, लेकिन आज क्यों ऐसा हुआ कि छोटी गाड़ियों की जरूरत पड़ गई, आप अपने मोबाइल में डूबे रहे, क्यों ऐसा हो गया कि इन सवालों का सामना करने से पहले आंखों का भी सामना नहीं कर पा रहे थे। लाइट, कैमरा और एक्शन, ये शब्द सुनते ही सितारे एकदम कैमरा फ्रेंडली हो जाते हैं, लेकिन कई बार वक्त का पहिया ऐसा घूमता है कि बारहों महीने कैमरा फ्रेंडली रहने वाले सितारे कैमरे से लंबी दूरी बनाकर रखते हैं। और दूर दूर से ही निकल जाते हैं। इन अभिनेत्रियों के लिए आज कड़वे सत्य के घूंट पीने का दिन था, आज कैमरे से नजरें चुराने का दिन था। दीपिका पादुकोण कैमरे से आंख मिचौली करती दिखी, सारा अली खान ने आज कैमरे पर कोई पोज नहीं दिया, ना ही श्रद्धा कपूर ने कैमरे को कोई भाव दिया। कोई अभिवादन नहीं, न हाथ मिलाना, न नजरें मिलाना, बस बच कर निकल जाना। जो लोग कैमरे से ही सारी प्रतिष्ठा अर्जित करते हैं उन्हें ही कर्मों के चक्कर में कई बार कैमरे से बचकर निकलना पड़ता है। किसी को अंदाजा नहीं था कि अपने गैराज में लग्जरी गाड़ियों की लाइन लगाने वाली दीपिका मीडिया से बचने के लिए एक सामान्य गाड़ी से एनसीबी दफ्तर पहुंचेगी। दीपिका ग्रे रंग की
क्रेटा गाड़ी से एनसीबी दफ्तर आई। 1:07 के इस वीडियो में दीपिका 44वें सेकंड में पहली और आखिरी बार मीडिया के कैमरे की तरफ देखती नजर आई। दीपिका की बॉडी लैंग्वेज और हाव भाव से दो बातें बिल्कुल साफ थी। पहली ये कि उनका पूरा ध्यान मीडिया के कैमरों को चकमा देने पर था और दूसरी ये कि वो मीडिया के सवालों की फायरिंग रेंज में नहीं आना चाहती थी। बॉलीवुड की नंबर वन हीरोइन 34 साल की दीपिका पादुकोण से आज 6 घंटे की लंबी पूछताछ खत्म हो चली है। आज सुबह 9:50 पर जब इसी एनसीबी दफ्तर में उनकी एंट्री होती है तो बॉडी लैंग्वेज कुछ और होती है, लेकिन 6 घंटे के बाद जब वो शाम 4 बजे वापस जा रही होती हैं तो चेहरा पूरी तरह से मायूस और चुपचाप गुमसुम गाड़ी में बैठी हुई वो दिखाई देती है। दीपिका पादुकोण को अच्छी तरह से पता है ये जो ड्रग्स की छपाक है वो किस तरह से इस अभिनेत्री को महंगी पड़ने वाली है। यही कारण है कि बहुत सोच समझ कर आज उन्होंने सवालों के जवाब दिए, लेकिन बहुत सारे सवाल ऐसे भी बाकी रह गए जिसका जवाब उनकी ओर से नहीं दिया गया। एनसीबी गेस्ट हाउस में दीपिका से सवाल जवाब हुए, वहीं अभिनेत्री सारा अली खान और श्रद्धा कपूर पूछताछ के लिए एक्सचेंज बिल्डिंग यानी एनसीबी दफ्तर बुलाई गई थी। दोपहर 12 बजे से 8 मिनट पहले श्रद्धा कपूर की मर्सिडीज एनसीबी दफ्तर की बैरिकेडिंग को पार करती हुई दिखी। पहले से ही मीडिया को दूर कर दिया गया था। श्रद्धा कपूर का ड्राइवर कार का दरवाजा खोलता है और एनसीबी के अधिकारी से पूछता है कि क्या इन्हें इस दरवाजे से अंदर जाना है। इसके बाद श्रद्धा सीधे दफ्तर में दाखिल हो जाती हैं। इन सब में 30 सेकंड का वक्त लगता है। कार से उतरने के बाद श्रद्धा ना तो कैमरे की तरफ देखती हैं और ना ही सवालों पर ध्यान देती हैं। एक बार नीची नजरें झुकाती हैं और फिर आगे बढ़ जाती हैं। सारा अली खान के साथ साथ श्रद्धा कपूर को भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर पर 10:30 पहुंचना था, लेकिन उन्हें आने में देरी हुई। हाव भाव भंगिमा बदली हुई थी, आंखों में चिंता थी तो मन में डर भी था। सवाल बहुत सारे थे कि न जाने एनसीबी क्या पूछेगी, क्योंकि नाम रिया चक्रवर्ती ने लिया था जो ड्रग्स के मामले में ही न्यायिक हिरासत में है। श्रद्धा कपूर के एनसीबी दफ्तर पहुंचने के करीब 71 मिनट बाद सारा अली खान की एसयूवी एनसीबी दफ्तर पहुंची। वक्त हो रहा था 1:03। मीडिया फ्रेंडली मानी जाने वाली सारा का अंदाज बिल्कुल बदला हुआ था। वो कार से नीचे उतरी और बिना इधर उधर देखे हुए सीधे एनसीबी दफ्तर में चली गई। पिछले कुछ सालों में सारा अली खान ने मीडिया से निपटने का कुछ एक नया तरीका इजाद कर लिया था। जहां मीडिया से कई लोग परेशान हो जाते हैं तो वो अक्सर कैमरों में देखकर नमस्ते करती झुककर। लेकिन जब से ये ड्रग का मामला सामने आया है तब से वो मीडिया के कैमरों से बचती नजर आ रही हैं। यानी तीनों ही स्टार्स ने आज मीडिया के कैमरों से उचित दूरी बनाए रखी। तीनों अभिनेत्रियों ने पूछताछ खत्म होने के बाद जाते हुए भी अपने अंदर की बेचैनी या दूसरे हाव भाव कैमरे में नहीं दिखाई। सवाल उठता है कि आखिर क्यों? क्या वो अपराध बोध से ग्रसित थी या फिर सवालों का सामना करने का उनमें साहस नहीं था? जिस हिसाब से आप दीपिका पादुकोण जी को देखेंगे, जो एयरपोर्ट पे उनके फोटोग्राफ्स थे, जो उनकी ड्रेसेस थी, जैसे उनका चेहरा था, जिस हिसाब से वो ढलका हुआ था, जो उनकी चलने का एक तरीका था, सभी चीजें इंगित करती हैं कि कहीं ना कहीं मिस्टेक तो हुई है। उसका एक तरीके से अंदर दुख भी है और दूसरी बड़ी चीज यह है डर भी है। तो डर और दुख, ये दो जो चीजें होती हैं ये मिस्टेक्स को इंगित करती हैं। सितारों को रोल मॉडल माना जाता है, उनकी भाव भंगिमाएं लोग कॉपी करते हैं। ऐसे में उनका सहम कर एनसीबी ऑफिस से जाना, सवालों से बचना खटकता है। इसमें एक विरोधाभास है और कटाक्ष भी। फिल्मों का प्रमोशन हो तो यही सितारे बड़े चाव से कैमरे का सामना कर लेते हैं, लेकिन अगर खुद पर सवाल उठ जाए तो चश्मा पहनकर मौन धारण कर लेते हैं। चित्रा त्रिपाठी और विद्या के साथ आशुतोष मिश्रा, मुंबई आज तक। वक्त वक्त की बात है, वक्त वक्त की बात है चित्रा, कि कल जो तस्वीरें हमें दिखती थी आज उसकी हकीकत क्या है? आज उसकी हकीकत क्या है? वो ये कि एक्टिंग की जरूरत नहीं पड़ी।
भाव भंगिमाओं ने बहुत कुछ कह दिया, सवालों के जवाब जो देकर आए थे बाद में भी उसी उधेड़बुन में गए हैं, लेकिन अभी चूंकि समन नहीं मिला है चित्रा, समन नहीं मिला है किसी को, अभी उनके मन में इस समय क्या उधेड़बुन चल रही होगी? सबको विश्वास हो गया होगा कि बच गए, या लग रहा होगा कि नहीं नहीं ये सारी गलतियां कर दी, कहीं दोबारा ना कॉल आ जाए? अभी बचे नहीं हैं, अभी क्लीन चिट नहीं मिली है, आगे आने वाली मुश्किलें अभी बरकरार है, क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे रहे जिसका जवाब गोलमोल दिया है इन अभिनेत्रियों ने। और उसके पीछे श्वेता वजह यह है कि दरअसल इनको रटा रटाया जवाब देकर भेजा गया था, क्योंकि बड़े बड़े वकीलों की फौज है, हम सब जानते हैं ब्रांड वैल्यू में दीपिका पादुकोण इस देश का कितना बड़ा नाम है, हजार करोड़ से ज्यादा रुपए इस वक्त उनके ऊपर दांव पर लगे हुए हैं। ढाई महीने के बाद उनकी फिल्म जो 83 है कपिल देव के ऊपर बनी हुई है, वो फिल्म आ रही है दीपिका पादुकोण की, तो उनको इस बात का अंदाजा होगा कि ड्रग्स के मामले में अभी एनसीबी न जाने फिर कब पूछताछ के लिए बुलाए, और ड्रग को लेकर अगर दाग गहरे होते हुए चले गए। आज उन्होंने सफाई दे दी, आज उन्होंने कहा कि उन्होंने ड्रग्स नहीं लिया है, लेकिन चैट की बात उन्होंने कबूल की। तो अगला सवाल यह है कि चैट में फिर आप ड्रग्स किसके लिए मांग रही थी? अगर खुद आप ड्रग्स नहीं लेती थी तो क्या किसी और को देने के लिए आप इसकी खरीद फरोख्त करती थी? और जो ड्रग्स आपने लिया है दरअसल इसका पेमेंट आपने कैसे किया? तो ये तमाम वो सवाल है जिनका जवाब अभी दीपिका पादुकोण से लिया जाना बाकी है। गोलमोल जवाब देखिए, दीपिका पादुकोण शांति से जब भी वो किसी सवाल जवाब के लिए बैठती है, चाहे हम अगर कैमरे के सामने बात करें या फिर पूछताछ जिस तरह की एनसीबी में हुई है, जानकारी यही मिल रही है कि चुपचाप बहुत शांत होकर उन्होंने हर एक सवाल का जवाब दिया है, लेकिन जो जवाब उनको बताकर भेजा गया था वही जवाब दीपिका पादुकोण की ओर से यहां पर दिए गए हैं। परेशान होकर हर सवाल का जवाब दिया है और एनसीबी समीक्षा कर रही है हर एक जवाब की जो उसे मिली है इन तीनों अभिनेत्रियों और साथ में करिश्मा के द्वारा, और इसीलिए एक तरह से कहा जाए तो पूरे के पूरे बॉलीवुड में इस समय अगर किसी एक संस्था का खौफ है तो वो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो इस समय इसी दफ्तर से ऑपरेट कर रही है। ये बहुत सारी चीजें हैं यहां से जो निकलती है, लेकिन देखिए इसमें क्षितिज प्रसाद नाम के एक व्यक्ति जो कि निर्माता थे धर्मा प्रोडक्शंस में थे, उन्होंने पहले ही छोड़ दिया था उसे, लेकिन करण जौहर को आकर सफाई देनी पड़ी थी इस बात पर, सफाई उन्हें देनी पड़ी थी कि अब वो मेरे साथ नहीं है, इसलिए धर्मा प्रोडक्शन का नाम जोड़िए मत, लेकिन वो जुड़ जाता है, वो जुड़ इसीलिए भी जाता है क्योंकि करण जौहर की एक और पार्टी की जो वीडियो थी उसे बहुत वायरल किया गया। करण जौहर ने यह भी आकर कहा कि इस वीडियो का भी लेना देना नहीं है, और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से भी कहा गया कि उसकी जांच इससे जुड़ नहीं रही है, लेकिन ये परेशानी का सबब जरूर है इन सब के लिए। जुलाई 2019 को करण जौहर की इस नाइट पार्टी की कहानी कई बार बताई गई, लेकिन आरोप है कि हर बार अधूरी ही बताई गई। इस पार्टी में बॉलीवुड के चमकते सितारों का जमघट है, आरोप है कि यहां नशे के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल किया गया, लेकिन पार्टी के होस्ट करण जौहर आरोपों को नकार रहे हैं, झूठा बता रहे हैं। करण जौहर ने शुक्रवार को एक बार फिर सफाई दी। करण जौहर ने कहा, मेरे घर पर जिस पार्टी में ड्रग सेवन की बात कही जा रही है वो पूरी तरह गलत है, पहले भी इस पर सफाई दे चुका हूं और इस बार भी कह रहा हूं, इस पार्टी में किसी तरह का ड्रग्स इस्तेमाल नहीं हुआ। मैं एक बार फिर से स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि मैं नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करता हूं और मैं ऐसे किसी भी ड्रग्स के सेवन को बढ़ावा नहीं देता, ना ही प्रोत्साहित करता हूं। हालांकि खबर है कि सफाई के बावजूद करण जौहर से इस पार्टी को लेकर पूछताछ संभव है, वहीं आज करण जौहर को परेशान करने वाली एक और खबर सामने आई। धर्मा प्रोडक्शन के डायरेक्टर रहे क्षितिज रवि प्रसाद को एनसीबी ने गिरफ्तार किया है। क्षितिज के घर से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने छापेमारी के दौरान गांजा बरामद किया था। इसके साथ ही क्षितिज अपनी चैट की वजह से एनसीबी के रडार पर आए, वो लगातार गांजा मंगवा रहे थे, पेडलर से बात कर रहे थे। करमजीत और अनुज केसवानी की पूछताछ में इसका भांडा फूटा और एनसीबी ने पेडलरों से ड्रग खरीदने, इस्तेमाल करने और स्टोरेज करने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दो दिन तक लंबी चली पूछताछ के बाद धर्मा प्रोडक्शन के डायरेक्टर क्षितिज प्रसाद को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में क्षितिज ने कई बड़े नामों का खुलासा किया है। क्षितिज प्रसाद का नाम ड्रग्स पेडलर ने लिया था। सवाल यह है कि क्या आने वाले दिनों में
इस मामले पर करण जौहर से भी पूछताछ होगी। हालांकि करण जौहर ने स्टेटमेंट जारी करके सीधे सीधे क्षितिज प्रसाद से पल्ला झाड़ लिया है और कहा है कि वो बहुत पहले कभी जुड़े थे, लेकिन फिलहाल धर्मा प्रोडक्शन से क्षितिज प्रसाद का कोई लेना देना नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में कुछ फोटोज सामने आए थे जिसमें धर्मा प्रोडक्शन के डायरेक्टर क्षितिज प्रसाद और असिस्टेंट डायरेक्टर अनुभव चोपड़ा एक ड्रग पेडलर के साथ खड़े दिख रहे थे। ड्रग कनेक्शन में इस फोटोज को भी क्षितिज प्रसाद और अनुभव चोपड़ा के खिलाफ सबूत माना जा रहा है। हालांकि एनसीबी की कार्रवाई पर करण जौहर ने सफाई दे दी है। उन्होंने बयान जारी कर कहा, बताया जा रहा है क्षितिज प्रसाद और अनुभव चोपड़ा मेरे सहयोगी और करीबी हैं। मैं बताना चाहता हूं कि मैं इन्हें निजी तौर पर नहीं जानता हूं। दोनों व्यक्तियों में से कोई भी मेरा सहायक या करीबी सहयोगी नहीं है। मैं और धर्मा प्रोडक्शंस इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं है कि लोग अपनी निजी जिंदगी में क्या करते हैं। लगातार दो दिन की पूछताछ और ड्रग सीज करने के बाद आखिरकार प्रोड्यूसर क्षितिज प्रसाद को आज एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। क्षितिज की गिरफ्तारी के साथ ये साबित होता है कि बॉलीवुड पर ड्रग्स कितना हावी है। उसकी कस्टडी लेकर एनसीबी ये जानना चाहती है कि ड्रग्स की पार्टीज में कौन कौन आता था, और जाहिर सी बात है जब क्षितिज बोलेगा तो और भी बड़े नाम सामने आएंगे। कैमरा पर्सन वैभव कनगुटकर के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। अब देखिए, ये जो गिरफ्तारी हुई है इसमें से क्या निकलेगा, ये गिरफ्तारी बहुत बड़ी चीज है। मुनीश पांडे, अगर क्षितिज प्रसाद को गिरफ्तार किया जाता है, भले धर्मा प्रोडक्शंस की तरफ से करण जौहर आकर कहते हैं कि नहीं, अब तो ये हमारे एम्प्लॉय नहीं है, दूसरा आदमी भी जो जिसको आप कह रहे हैं उसका भी हमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन नाम तो जुड़ जाता है, और नाम सिर्फ उसका नहीं जुड़ रहा है बल्कि बॉलीवुड में और न जाने किस किस का इसकी गिरफ्तारी और उसके आगे की पूछताछ से जुड़ेगा। जी बिल्कुल जुड़ेगा, और जुड़ने की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो एक प्रोडक्शन हाउस के लिए कुछ समय के लिए तो काम किए, धर्मा प्रोडक्शन के लिए वो कुछ समय तक काम किए थे। उसके अलावा जो दूसरे शख्स हैं अनुभव, उनसे जो पूछताछ की एनसीबी ने, उन्होंने भी दो बार अलग अलग टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे धर्मा प्रोडक्शन के लिए काम किए। तो ऐसे में जब एनसीबी जांच अपनी शुरू करेगी तो वो ये तो पता लगाएंगे कि धर्मा प्रोडक्शन से क्या जुड़े हुए कोई और लोग भी हैं जो इनके संपर्क में थे या नहीं थे। और ये श्वेता यहाँ पर समझने की बात होगी, जब कोई जाँच आगे बढ़ती हो तो उसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले, अगर एनसीबी का केस है तो क्या उसमें कोई ड्रग पेडलर इन्वॉल्व था या नहीं था, और दूसरा क्या वो शख्स खुद ड्रग्स कंज्यूम कर रहा था या नहीं कर रहा था। इसीलिए क्षितिज के गिरफ्तारी के पहले पेडलर का बयान दर्ज किया गया जो पहले से ही गिरफ्तार है, और जब घर में सर्च ऑपरेशन किया तो वहां से ड्रग्स भी मिली हुई थी। और पूछताछ के दौरान जो एनसीबी सूत्रों का कहना है कि कई और नाम सामने आए हैं, अभी तक ये साफ नहीं है कि क्या वो लोग धर्मा प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं या नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जाँच का दायरा जब आगे बढ़ेगा तो जो कोई भी संपर्क में थे, जो कोई भी संपर्क में थे क्षितिज से या अनुभव से, जांच आगे बढ़ेगी, क्योंकि एनसीबी ने जितनी चीजें अभी इकट्ठा की है यहां से उसमें से आगे कुछ ना कुछ निकलेगा। अरे बड़ी अजीब सी बात है कि ये यही बॉलीवुड है जिसने अपने ऊपर भी कई फिल्में बनाई हैं, ड्रग्स के मुद्दे पर भी एक आध फिल्में बन जाती हैं जो बॉलीवुड के भीतर है, लेकिन उसमें एक बहुत एक्सेप्टेड तौर पर दिखाया जाता है। चाहे संजू फिल्म की बात कर लीजिए, हीरोइन फिल्म की बात कर लीजिए, सबको पता है अगर कि बॉलीवुड के भीतर ये सब कुछ होता है तो क्या किसी का जमीर नहीं जागता है कि हमें बदलना चाहिए कुछ, या फिर अगर जमीर जागता है और आगे आकर आप कंप्लेन करते हैं तो उस पर कोई एक्शन नहीं होता है। हॉलीवुड के तो बहुत किस्से हैं, लेकिन बॉलीवुड में ड्रग्स, उसकी हकीकत क्या है? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यानी UNGA, इसका 75वां सम्मेलन जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे उस मंच से, और दुनिया के सबसे बड़े मंच से भारत का पंच आया है, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने जो बातें कही हैं, अव्वल तो हम ये कहना चाहेंगे, हालांकि कोई बराबरी नहीं है, लेकिन इमरान खान ने जिस तरीके से UNGA में बोला था उसमें पाकिस्तान की गरीबी बहुत बुरी तरीके से नजर आई थी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UNGA के मंच से जो बोला है उसमें हिंदुस्तान की रईसी नजर आई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब समय आ चुका है यूनाइटेड नेशंस के की भूमिकाओं से आप हिंदुस्तान को कितने देर दूर रख सकते हैं, क्योंकि UN में हर एक किरदार में भारत हमेशा आगे आता है, हमेशा अच्छा करता है। भारत के लोग संयुक्त राष्ट्र के रिफॉर्म को लेकर जो प्रोसेस चल रहा है उसके पूरा होने का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं।
आज भारत के लोग चिंतित हैं कि क्या ये प्रोसेस कभी एक लॉजिकल एंड तक पहुंच पाएगा? आखिर कब तक भारत को संयुक्त राष्ट्र के डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर से अलग रखा जाएगा? संयुक्त राष्ट्र की आम सभा के 75वें सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सीधा सवाल किया, संयुक्त राष्ट्र से भारत की असंतुष्टि क्यों है? इसे दुनिया के देशों के सामने रखने में मोदी ने कोई हिचक नहीं की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक ऐसा देश जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, एक ऐसा देश जहां विश्व की 18% से ज्यादा जनसंख्या रहती है, एक ऐसा देश जहां सैकड़ों भाषाएं हैं, सैकड़ों बोलियां हैं, अनेकों पंथ हैं, अनेकों विचारधाराएं हैं, जिस देश ने सालों तक वैश्विक अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने और वर्षों की गुलामी दोनों को जिया है, जिस देश में हो रहे परिवर्तन का प्रभाव दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर पड़ता है, उस देश को आखिर कब तक इंतजार करना पड़ेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषण जो संयुक्त राष्ट्र के जनरल असेंबली सेशन में दी गई है, वो बहुत ही डिग्निफाइड स्पीच थी। कहीं ना कहीं उन्होंने भारत को आगे रखते हुए बाकी देशों को हिट आउट नहीं किया, जैसे बाकी देशों ने इस मंच का फायदा उठाते हुए दूसरे देशों को नीचा दिखाया, भारत ने वो नहीं किया। संयुक्त राष्ट्र में सुधार की बात भारत लंबे समय से करता रहा है, लेकिन 75वें सत्र का मौका ऐसा था जब प्रधानमंत्री मोदी ने यूएन की भूमिका का सम्मान करते हुए भी उसको आईना दिखाने में परहेज नहीं किया। पिछले 8-9 महीने से पूरा विश्व कोरोना वैश्विक महामारी से संघर्ष कर रहा है। इस वैश्विक महामारी से निपटने के प्रयासों में संयुक्त राष्ट्र कहां है? एक प्रभावशाली रिस्पांस कहां है? श्री नरेंद्र मोदी, थैंक यू। प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ कोरोना पर ही संयुक्त राष्ट्र से कड़े और बड़े सवाल नहीं पूछे, बल्कि विश्व शांति की कोशिशों में भी उसकी कई नाकामियां सामने रख दी। ये बात सही है कि कहने को तो तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ, लेकिन इस बात को नकार नहीं सकते कि अनेकों युद्ध हुए, अनेकों ग्रह युद्ध भी हुए, कितने ही आतंकी हमलों ने पूरी दुनिया को थर्रा कर रख दिया, खून की नदियां बहती रही। इन युद्धों में, इन हमलों में जो मारे गए वो हमारी आपकी तरह इंसान ही थे। आज विश्व शांति में रोड़ा क्यों है, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन आतंकवाद को अपनी नीति बनाने वाले पाकिस्तान की सच्चाई यूएन के इसी सत्र में भारत पहले ही रख चुका है। The leader of Pakistan today called for those who incite hate and violence to be outlawed. But as he went on, we were left wondering, was he referring to himself? ये जवाब भारत को इसलिए देना पड़ा क्योंकि अपने संबोधन में भारत के खिलाफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मुस्लिम हेट का झूठा और मनगढ़ंत आरोप लगाया था। इसीलिए इमरान खान की स्पीच के समय वहां मौजूद भारतीय दल ने वॉकआउट किया। लेकिन जब भारत के प्रधानमंत्री का यूएन के मंच से वीडियो संदेश साझा हुआ तो उसमें वसुधैव कुटुम्बकम की भारत की भावना शामिल थी। कोरोना के इस आपातकाल में वैक्सीन जैसे उपायों में दुनिया को मदद करने का भारत का भरोसा था, आत्मनिर्भर भारत से विश्व अर्थव्यवस्था को संजीवनी देने का संकल्प था और यूएन को प्रभावी बनाने वाले बदलाव की नीयत तो थी ही। आइए संयुक्त राष्ट्र के 75वें वर्ष पर हम सब मिलकर अपने आप को विश्व कल्याण के लिए एक बार फिर समर्पित करने का प्रण ले। गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। भारत जनवरी 2021 में यूएन का अस्थायी सदस्य बनेगा और हम कुछ अहम चीजें आपको यहां पर बता देते हैं, वो ये कि दुनिया की लगभग
1/5 आबादी भारत में रहती है। इतनी आबादी वाले देश को निर्णायक भूमिका में नहीं रखना सही नहीं है। भारत की आर्थिक परिस्थिति पूरी दुनिया के लिए अहम है क्योंकि भारत दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, बेहद जिम्मेदार लोकतंत्र है। 50 से अधिक पीस कीपिंग मिशंस में भारत ने अपने सैनिक भेजे हैं। अहिंसा दिवस, योग दिवस, आपदा सहयोग, सोलर अलायंस जैसे प्रयास भारत की वजह से हुए। भारत परमाणु शक्ति से लैस है और विश्व शक्ति संतुलन के लिए भारत की बड़ी भूमिका बहुत ज्यादा जरूरी है।